हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जानते हैं कि लगातार फॉर्म आ रहे हैं और जिनकी तैयारी के लिए आप लोग बेहद एकदम मन लगा के जुट जाएं, तन मन धन से चाहे जैसे। तो आप लोगों के लिए खास तौर से हम बता दें कि हाल ही में भी यूपीएसआई का भी आ गया, पेट का भी सिलेबस आ गया और कल की डेट में, मतलब कि आज 4 मार्च को आरओ एआरओ के भी पद आ गए हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले 2-3 महीनों के बाद लगातार परीक्षाएं होंगी। एनटीपीसी चल ही रहा है, 13 जून को पीसीएस की परीक्षा है, पेट की परीक्षा है, फिर यूपी टेट की परीक्षा है, टीटी, और फिर आरओ एआरओ की परीक्षा है। तो लगातार 4-5 परीक्षाएं, एग्जाम्स लगे हुए हैं आप लोगों के। तो आप लोग बहुत अच्छे से मन से लग जाए, ठीक। तो इस बेस पे हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, पेपर भी देखा मैंने कि करंट अफेयर, पहले बताया हूं करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल है। तो करंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, करेक्ट। बात करते हैं कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को किस राज्य में नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो मुख्य सचिव के रूप में राजीव रंजन साहब को किस राज्य का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के ये मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, मिस्टर राजीव रंजन। अगला प्रश्न, यूपी सिंह किस मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं। यूपी सिंह अभी हाल ही में किस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं, सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो यूपी सिंह हाल ही में किस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किए गए? तो कपड़ा मंत्रालय, ठीक। कौन से? कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय में ये सचिव नियुक्त किए गए हैं, सही एकदम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगला क्वेश्चन, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहां किया गया। तो स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ राजस्थान में किया गया। कहां किया गया? राजस्थान में। राजस्थान में किया गया। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अपना वैश्विक भागीदार किसे घोषित किया गया। तो आईसीसी ने अपना वैश्विक भागीदार भारतीय कंपनी बायजूस को घोषित किया गया है। किसको? बायजूस एक लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप है पढ़ाई संबंधित, तो उसको उन्होंने वैश्विक भागीदार घोषित किया, इसमें आईसीसी ने। अगला क्वेश्चन, अपने समय किस्त में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है। वह कौन सा खिलाड़ी है जो अपने सवे मैच में डबल सेंचुरी लगाया है। तो पहला बल्लेबाज बना जो अपने सवे मैच में डबल सेंचुरी लगाया है, तो वो है जो रूट। कहां के हैं ये? तो जो रूट है आपके इंग्लैंड के जो रूट है, जो अपने सवे टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी मारी है। अगला, किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया, SAANS। तो किस राज्य ने? तो मध्य प्रदेश ने।
मध्य प्रदेश में साफ अभियान शुरू किया है। करेक्ट। अगला क्वेश्चन, BCC, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, बीसीसी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो BCC का नया अध्यक्ष चुना गया है गीता मित्तल को। किसे? गीता मित्तल को बीसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट। तो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस वीडियो के तहत बताया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर, तो मैं तो कह रहा हूं आपको जहां से जो मिले आप पढ़ते रहिए, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। इस बार सिलेक्शन आप लोग पा जाए, मन से पढ़े, ईमानदारी से। राइट। तो जैसे भी वीडियो लगे हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करें और आल बटन पे जरूर क्लिक करें जिससे आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।